यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध में प्रतिदिन चमत्कार होते हैं। किसी पर भूत प्रेत आरोपित होता है, संतान नहीं होता है, संतान हो के गुजर जाता है, तो यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध या किसी प्रकार का पितृदोष है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेने से प्रसिद्ध है। सप्तारण्य में प्रथम तीन अरण्य पुण्य के अरण्य है। प्रथम पुष्कारण्य पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र, और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गया सुर रहा करता था, जिसके नाम से गया है। ये जो बिल्डिंग है वो पूरा यज्ञशाला है, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टवृत्ताकार हवन कुंड है। गया में कई वेदियां हैं, जैसे कि 45 वेदी है और 9 जगह जो है तर्पण होता है। आपको बता दें कि एक जगह बोध गया है, जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं, बोध गया वेदी में, तो इस बकरोर के पास है, जहाँ और बोध गया से लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, और गया विष्णुपुर से लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो हमारे साथ बाबा हैं और पूरी जानकारी आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी अपडेट आपको हम देते हैं कि गया जी भी बोध गया का क्या कहानी है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो बाबा बताइए कि इस जगह का क्या रहस्य है, यहाँ पे लोग पिंडदान करने क्यों पहुँचते हैं? जी, गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। ये धर्मारण्य है, ये धर्म का ही अरण्य है। हमारे सनातन धर्म में सप्तारण्य, सप्त नदियां, सप्त ऋषि, सप्तपुरी ये प्रसिद्ध हैं। सप्तारण्य में प्रथम तीन अरण्य पुण्य के अरण्य हैं। प्रथम पुष्कारण्य पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र, और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाता है, यानी धर्मराज और यमराज एक ही है। धर्मराज यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए, तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुंचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूं। उन्होंने प्रकट किया, महादेव बोले वर मांग, बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ, और इसका विस्तार 2 योजन का हो, 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं, लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गया सुर रहा करता था, जिसके नाम से गया है। गयासुर अपनी तपस्या करते करते अपने शरीर को इतना पवित्र बना लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग बैकुंठ चला जाया करते थे। वहां भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो रहा था, सभी जा रहे थे। तो तीनों देवों ने मंत्रणा की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो अति प्रसन्न हुआ। उसका शरीर था 5 कोस का, उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है, उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंखचक्र पद्म और गदा लेकर, और उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रखकर अपने एक दाहिने पैर से दबाए हैं, अस्तक दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग, तो गयासुर बोले कि आज से तो वह स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आए अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से अब लोग मोक्ष जाने की कामना करें। मोक्ष नहीं, यहाँ गया जी में जितने लोग आ रहे हैं सब अपनी कामना कर रहे हैं कि मेरे पितर मोक्ष को जाएं। मोक्ष और सफलता तो उनको देनी है। तब से गया पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। अब आइए त्रेता। त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज से प्रवृत्त राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करके लौट के अयोध्या में जाकर राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, राम प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल और केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक में हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है, ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताएं। गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो, यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप राशि दूर हो जाते हैं। अगर ये कर्मकांड कर लिया गया, जैसे पिंड दान कर लिया गया, तो यह और दिव्य हो जाता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है, धर्मारण्य तथा धर्मो यस्माद्यज्ञ मकारयत् गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रेता में वो लोग आए
ना। अब आइए द्वापर, द्वापर में भी एक कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे कि जब तक आचार्यों कौरवों की तरफ है मैं युद्ध नहीं जीत सकता, इनको शांत किया जाए। इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा नाम की हाथी मारी गई या आचार्य द्रोण के पुत्र, ये कौन बोलेगा? भगवान कृष्ण बोले, ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं मैं भी अभी बोलूंगा तो कोई नहीं मानने वाला। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वत्थामा हता नरह, नरह पर जैसे ही आए इसके लिए कृष्ण तैयार थे, तो तुरंत पांच जन शंख ध्वनि कर दी। इसके साथ सारे पांडव शंख ध्वनि करने लगे, बाकी के सब सुनाई नहीं पड़े। आचार्य द्रोण समझे मेरा पुत्र मारा गया क्योंकि ये धर्मराज बोल दिया। अपना धनुष बाण रथ पर रखकर पुत्रशोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा, इसकी प्रायश्चित तुम्हें करने पड़ेंगे। इस प्रायश्चित के लिए तुम्हें तीन राजसु यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में ही हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहाँ पांडवों का राजमहल था, और तीसरा इस धर्मारण्य में हुआ है। ये जो बिल्डिंग है वो पूरा यज्ञशाला है और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टवृत्ताकार हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 125,000 मन आहूति पड़ी, तो गयाश्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। आश्विन पितृपक्ष कृष्ण पक्ष तृतीया, भारत और विश्व से लोग आकर उस दिन आकर यहाँ बैठकर पिंडदान करते हैं। ऐसे तो सालों भर होती है लेकिन वो पितृपक्ष की विशेष तिथि है। यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी दोषपाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है, ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। इस धर्मारण्य में एक त्रिपिंडी श्राद्ध होती है जो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध में प्रतिदिन चमत्कार होते हैं, किसी पर भूत प्रेत आरोपित होता है, संतान नहीं होता है, संतान हो के गुजर जाता है, तो यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध या किसी प्रकार का पितृदोष है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेने से उनको 100% सफलता प्राप्त होती ही है। त्रिपिंडी श्राद्ध में तीन गुणों का श्राद्ध है, सात्विक राजस और तामस, विष्णु ब्रह्म और रुद्र। लगभग 2-2.5 घंटे की पूजा की प्रक्रिया होती है, एक आचार्य कराते हैं, विभिन्न चरणों से उनको गुजरना पड़ता है पूजा में, और अंत में बड़ा पिंड और नारियल का विसर्जन। ये अरहट कूप है, ये इसी अरहट कूप में इसका विसर्जन हो जाता है, तो जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पितृदोष है, यहां से उनकी गति हो जाती है। इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग अनेक कारणों से पीड़ित हैं और आकर के यहां त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं और अपने अपने सात्विक राजस और तामस जितनी प्रकार की आत्माएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यहां से उनकी गति हो जाती है। यहां प्रतिदिन त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं, ऐसे विशेषकर पंचमी तिथि, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को विशेष करके यहां त्रिपिंडी श्राद्ध होती है। मेरा नाम राधा वल्लभ शरण पांडे है और मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित भी हूँ। बोध गया आने के बाद निरंजना नदी के उस पार यहाँ दो पिंड वेदी है, तीन पिंड वेदी है, एक धर्मारण्य है, दूसरा मातंग बापी और तीसरा सरस्वती। ये तीनों वेदियां बोध गया क्षेत्र में पड़ती हैं, तो यहाँ बोध गया करके निरंजना नदी के पुल है, वो पुल के सहारे पार करके और वहाँ से 2 किलोमीटर पर ये धर्मारण्य वेदी, मातंग वापी वेदी और सरस्वती वेदी उपस्थित है यहाँ पर। तीनों एक ही जगह पर, दोनों तीनों थोड़ा थोड़ा अलग की दूरी पर है। यहाँ पर धर्मारण्य है, यहाँ से 0.5 किलोमीटर पर मातंग वापी है और यहाँ से गया की ओर ही 2 किलोमीटर पर सरस्वती है। और बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ जो बोधगया वेदी है उसके बारे में आपको जानकारी मिली हो। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे। आपको अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो यहाँ आकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नाम जिस प्रकार से इन्होंने बता दिया। जय हिंद, जय भारत।